हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए मिठाई बनाने वाले हैं जो बहुत ही आसानी से बनेगी। इसे मैंने कोकोनट यानी गरी के बुरादे से बनाया है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कोकोनट की मिठाई कैसी लगी। तो सबसे पहले मैंने गैस पर एक पैन रखा है और इसमें हम 2 कप गरी का बुरादा डाल रहे हैं। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो जो सूखी गरी आती है उसे आप कद्दूकस करके मिक्सी में हल्का सा पीस लें और उसके बाद उसे यूज़ करें। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है और लगभग 1 से 2 मिनट अच्छे से इसे भुनेंगे यानी रोस्ट करेंगे। गरी का कलर नहीं चेंज होना चाहिए, तो लगभग 1 से 2 मिनट हो गया है और मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। अब इसमें हम 1 कप दूध डाल रहे हैं, साथ में इसमें चीनी डाल रहे हैं। तो लगभग मैंने 80 ग्राम चीनी डाला है। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी का यूज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने केसर वाला दूध डाला है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे ना यूज़ करें, बिना केसर के भी ये बहुत ही आसानी से बनेगा। तो फटाफट सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं जिससे इसका कलर हल्का सा येलो हो जाएगा और ये मिठाई देखने में और भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ मैंने पाउडर वाला जो फूड कलर आता है उसे यूज़ किया है। वैसे ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप प्योर वाइट रखना चाहते हैं तो इसमें आप फूड कलर ना मिलाएं। तो इसे हम लगातार चला रहे हैं और जब तक जो गरी है वो बिल्कुल सूख ना जाए, यानी इसमें जो दूध है वो बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक इसे हमें अच्छे से पकाना है और इसे लगातार चलाना है। तो यहाँ जो दूध है ये बिल्कुल सूख गया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है, क्योंकि अब इसको हम शेप देंगे। वैसे आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अलग से गरी का बुरादा लिया है यानी कोकोनट लिया है, और अब हम फटाफट इसको एक शेप दे देते हैं। वैसे आप इसे गोल बना सकते हैं, हल्का सा चिपटा बना सकते हैं, पर यहाँ मैंने इसे कटलेट का शेप दिया है यानी इसका एक रोल बनाया है, और इसके ऊपर हम लगा देते हैं जो गरी का बुरादा है उसे लगा देते हैं। वैसे आप इसे इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और आप देख सकते हैं कि इसे बनाने में बहुत ही कम सामान लगा है और बहुत ही कम समय भी लगा है, और ये मिठाई उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इसी तरह हम सभी मिठाई को बना लेते हैं। इसके ऊपर आप चाने की बर्क लगा सकते हैं, थोड़ा सा पिस्ता लगा सकते हैं, जिससे ये मिठाई देखने में और भी अच्छी लगेगी। तो फटाफट कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं जो बहुत ही आसानी से बनती है। तो यहाँ जो कोकोनट की मिठाई है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, लगभग 7 से 8 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो एक बार फिर से मिलेंगे ऐसी एक नई मिठाई के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।